अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पोटैटो स्टिक्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पोटैटो स्टिक बनाने के लिए मैंने दो आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया था। अब इसमें 3 खाने के चम्मच सूजी डालेंगे। आधा खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक जाएगा हस्बे जायका। अब आलू को इन सब के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। एक हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। मिक्स करेंगे। अब हाथों पे तेल लगाकर आलू के मिक्सचर को रोल करके फिंगर की शेप दे देंगे। और बाकियों को भी इसी तरह से फिंगर शेप दे देंगे। पोटैटो स्टिक्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, और ये 1 महीने तक फ्रीज करके रखी जा सकती हैं। मैंने पोटैटो स्टिक को कॉर्नफ्लोर से कवर कर लिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। पोटैटो स्टिक फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।